बात करेंगे माचा टी के बारे में। तो क्या है ये माचा टी और कैसे बनती है और कैसे दिखती है? तो सारे सवाल के जवाब मैं देती हूँ। माचा जो टी होती है वो हाई एंटीऑक्सीडेंट होती है, वो ग्रीन कलर की होती है, जैसे लीफ के कलर होता है वैसे ग्रीन कलर की दिखती है, डार्क ग्रीन कलर की। और ये जो टी है वो जापान में पाई जाती है, यानी कि जापान के जो लोग होते हैं उनकी जो स्किन बहुत ही अच्छी होती है। और नॉर्मली जो जापान के लोग होते हैं वो पूरा दिन यही पानी पीते हैं, यानी कि टी होती है वो गर्म पानी के अंदर वो डालकर पीते हैं, तो जिसके उनकी स्किन बहुत अच्छी होती है और मोस्टली वो लोग स्लिम होते हैं। तो मैंने 2 मंथ से ये मैं टी पी रही हूँ। मैं आगे वीडियो भी आपको दिखाऊंगी कि कैसे आपको टी बनाना है और कैसे उसकी रेसिपी बनती है। तो आज हम आपको 2 रेसिपी दिखाएंगे, एक तो माचा टी कैसे बनती है और दूसरा माचा टी में से एक रेसिपी या फिर डेजर्ट या फिर आपका लंच कह दो, कुछ भी आप बोल दो, तो आप उसको स्टोर भी कर सकते हैं 2 दिन के लिए और आप कभी भी उसको खा सकते हैं, ठंडा या फिर नॉर्मल टेम्परेचर वाला भी खा सकते हैं। तो ये हार्डली 10 मिनट्स के या फिर 5 मिनट्स में बन जाता है और उसको स्टोर करके आप बाद में भी खा सकते हैं। तो ये है उसके अंदर, ये जो डायबिटीज होता है टाइप 2 टाइप 1 ये लोग भी उसे खा सकते हैं, जिनको थायराइड होता है ये लोग भी माचा टी को अपने डे में यूज़ कर सकते हैं। जो वेट लॉस करना चाहते हैं, जो अपनी स्किन को अच्छा करना चाहते हैं, अपने हेयर के टेक्सचर को इम्प्रूव करना चाहते हैं, वो लोग भी ये माचा टी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। और मैंने जो भी प्रोडक्ट खरीदा उसका पिक्चर भी मैं आपको दिखाऊंगी मैंने कैसे यूज़ किया है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़ करते हैं तो थोड़ी मात्रा में, यानी कि 1/8 स्पून आपको यूज़ करना है, बहुत सारा यूज़ मत करना, क्योंकि उसके अंदर हाई एंटीऑक्सीडेंट होता है, बहुत सारे विटामिन न्यूट्रिशन भी होते हैं। तो उसको थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कीजिएगा, 1/8 स्पून ऑफ, उसके बाद 1/4, उसके बाद हाफ, तो उसको हाफ ही लेना क्योंकि उसका जो टेस्ट है थोड़ा सा बिटर भी होता है और जनरली धीरे धीरे बॉडी के अंदर सूट होता है। और आपका उसका रिजल्ट जो है वो 10 डेज के अंदर आप देख सकते हैं, क्योंकि आपकी स्किन जो होती है वो बहुत ही क्लीन क्रिस्टल क्लियर हो जाती है। मेरे जो क्लाइंट है उसको मैंने दिया था इंस्टेंट वेट लॉस के लिए, तो 1 मंथ के अंदर उसका जो कलर का टेक्सचर है वो भी बहुत ही ड्रास्टिकल मुझे दिखता है चेंज, उसका वेट लॉस भी हुआ है। उसने बहुत सारा डाइट फॉलो नहीं किया है लेकिन उसने 3 टाइम्स अ डे वो टी पीती थी, यही जो ये मैं रेसिपी बताने जा रही हूँ वो भी उसने खाई है। तो देखते हैं उसकी रेसिपी कैसे बनते हैं, सबसे पहले उसकी टी देखते हैं, उसके बाद देखते हैं हम उसकी रेसिपी डिफरेंट स्टाइल पे। Thank you.
वीडियोस। तो आई होप आपको ये रेसिपी बहुत ही अच्छी लगी होगी। जो भी इसको परचेस करना चाहते हैं वो लोग परचेस कीजिए, उसको ट्राई कीजिए और उसके रिजल्ट को मेरे साथ शेयर कीजिए। और अब तक आपने मेरा जो चैनल उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। और प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए कि आपको ये कैसी लगी है। थैंक यू सो मच।